सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसी अपनी पब्लिक, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होना चाहिए, तुम्हारे भाई की दुआएं तुम्हारे साथ है और तुम्हारी अपने साथ होनी चाहिए। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोल दूं कि थैंक यू सो मच फॉर 6K फैमिली। तो 6K की जो अपनी फैमिली है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि जल्दी जल्दी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो और 10K कर दो। मुझे नहीं लगता कोई 100K के लिए भी इतना एक्साइटेड होगा जितना मैं 10K के लिए एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आए हुए हैं वीडियो देखने, तो प्लीज़ यार जाके सब्सक्राइब कर दो, जिसकी मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सबकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो अगेन थैंक यू सो मच। फिलहाल आज का सीन मैं अब आपको बता दूँ, बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं अपनी वॉइस क्वालिटी है वो इम्प्रूव करो। उसी चक्कर में मैंने कल भी वीडियो नहीं डाली कि यार दोबारा से कुछ ऐसा अपलोड ना करना है जिसमें किसी को भी लगे कि यार भाई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। तो उसी चक्कर में तुम्हारे भाई ने नया माइक मंगवा लिया है, तो इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं डाली और ऊपर से थोड़ी सी सेहत भी डाउन थी। नए माइक के साथ वीडियो शूट करेंगे तो होप करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी हो। और पहले मैं एक बात बता दूँ आप सबको, अगर आप घर से कोई चीज़ सोच के गए हो ना कि ये चीज़ बाय करनी और जाके आप शॉप वाले की बातें ना सुने, मैंने उन्हीं के चक्कर में आके पहले दो माइक उठा लिए तो अभी भी वो मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी मैं उनमें डिफरेंस बताऊंगा, नए वाले में और पुराने वाले में क्या डिफरेंस है क्या नहीं, तो वही चेक करवाऊंगा आज। तो फिलहाल बाइक के बारे में बता दूं तो जल्दी अपनी बाइक की टोटली लुक चेंज होने वाली है, टोटली डिफरेंट। तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, रिवील नहीं करूंगा कि क्या करवाने वाला हूं क्या नहीं, तो करवा के तो उसका एक अलग से व्लॉग लाने वाला हूं। फिलहाल तो अभी एक दो दिन में थोड़ा बहुत करने वाला हूं नॉर्मल ऐसे ही ना, वो मुझे नहीं लगता मॉडिफिकेशन में आएगी वो चीज़ें, पर फिर भी जो करूंगा वो आपको दिखा दूंगा। तो ये एक चीज़ लाई हुई थी हमने, ये देख रहे हो आप, तो अभी आपको इसका पता नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर पे डाली हुई हैं, बहुत सारी, तो वो आने वाली है तो बाइक अपनी एकदम अलग हो जाएगी। तो आज माइक का डिफरेंस बताते हैं पहले वाले और नए वाले में क्या है, तो चलो चलते हैं। हेलो, तो ये क्वालिटी है अपने पहले वाले माइक की, तो नए वाले की चेक करवाते हैं, होप कि अच्छी होनी चाहिए। यार पहले जैसा सीन ना होना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा खज्जल हो रहा हूँ इस वजह से, तो उसका ट्राई करते हैं। फिलहाल गाइस जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हो ये नए वाले माइक की है, होप कि आवाज़ अच्छी आ रही हो क्योंकि अभी तो मैं मतलब एक ही जगह पे हूँ, तो अभी तो फिलहाल अच्छी आवाज़ आएगी। अभी ये थोड़ी सी टेपिंग वगैरह लाई हुई थी अब्रार ने जो स्कीमें लगाई हुई है अपनी। गाइस आज का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप सबको मैं बता दूं कि बाइक की टोटली थोड़ी बहुत लुक चेंज करने वाला हूं, क्योंकि ज्यादा नहीं करने वाला हूं, ज्यादा होगी क्योंकि जो चीजें अभी ऑर्डर पे डाली हैं वो अभी आई नहीं है, तो जो जम्मू में अवेलेबल है वो करवा दूंगा। तो कल का व्लॉग देखना ना भूले। तो आज हमने बहुत सारे मतलब उल्टे सीधे काम किया, बहुत ज्यादा अब्रार की बाइक का भी टोटली एग्जॉस्ट वगैरह निकाला हुआ था, साउंड चेंज होगी। अभी हमने दोनों ने डिसाइड किया OEM को और RS को, दोनों के एग्जॉस्ट चेंज करवा देंगे। अपना सेटअप भी हो चुका है कंप्लीट न्यू माइक, तो जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत होती थी, ये सब टूट गए थे, ये भी मैंने चेंज करवा लिया। बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि भाई यार आप कैसा सेटअप यूज करते हो, कैसा नहीं, हेलमेट कैसी है, तो अपनी हेलमेट ये वाली है स्टड की, तो आपको गांधीनगर से मिल जाएगी जो अपने आगे पीछे रहते हैं, तो बाकी ये सब तो आपको ऑनलाइन मिलेगा। कल वाला ब्लॉग देखना ना भूलें क्योंकि कल वाले ब्लॉग में जो थोड़ा बहुत होगा वो आपको दिखाएगा, कल एकदम आपको बुलबुल की लुक चेंज और मस्त दिखने वाला ये पार्ट है थोड़ा सा, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं कहाँ लगना है कहाँ नहीं। तो वही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज का मेरा बस थोड़ा सा मेन मोटिव था कि आपको बता दूं क्या होने वाला है क्या नहीं। करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, होप कि आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कल वाला ब्लॉग देखना ना भूलें क्योंकि कल वाला ब्लॉग बाइक पे रहने वाला है। आज इसीलिए थोड़ा सा छोटा बना, अभी मैं बाइक की राइड पे भी नहीं जा रहा हूँ तो क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया, वो सब आपको कल दिखेगा अच्छे से मजे से। तो बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।